दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजन। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आशी गुप्ता टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप IRCTC एजेंट ID से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं या नहीं। अगर बुक कर सकते हैं तो कितने टाइम पे बुक कर सकते हैं और क्या इसमें हमें सीट कन्फर्म मिल जाती है या नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक बताने वाले हैं, तो आशा करता हूँ वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो का टॉपिक है कि हम CSC के थ्रू जो IRCTC एजेंट ID रजिस्ट्रेशन आपने किया था, जो आपका एजेंट ID मिली हुई है टिकट बनाने के लिए, तो क्या हम उस एजेंट ID से तत्काल टिकट निकाल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप IRCTC एजेंट ID से तत्काल टिकट बिल्कुल निकाल सकते हैं। और तत्काल टिकट निकालने का जो टाइमिंग होता है वो होता है आपका 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। यानी आपको तत्काल टिकट बुक करने का जो टाइम मिलता है मात्र आधा घंटा मिलता है। आप 11 से लेकर 11:30 के बीच में किसी भी समय जो है मतलब आधे घंटे के अंदर का आप कभी भी जो है उसको बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपकी इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपके CSC वॉलेट में जो है कम से कम जितना, अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जो है 500 की टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपके CSC वॉलेट में कम से कम 800 रुपये पड़े होने चाहिए। अगर इससे पैसे कम होंगे तो फिर आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, या बुक कर पाएंगे लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाएगी और फिर आपको कंफर्म टिकट ना मिलने के बजाय टिकट वेटिंग में चली जाएगी, जिससे कि आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले अगर आप IRCTC एजेंट ID के थ्रू तत्काल टिकट निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आपकी टिकट 500 रुपये की है तो आपको अपने CSC वॉलेट में आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 700 रुपये या 800 रुपये आपको ऐड करके रखने हैं। देन उसके बाद आपको तुरंत ही IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। आपको उसमें अपनी यूजर एजेंट ID डालनी है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन करना है। आपकी आधार नंबर पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को आप डालेंगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप तत्काल टिकट के लिए आवेदन करेंगे। ध्यान रहे कि आप तत्काल टिकट जो है 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में कर सकते हैं, आधे घंटे का आपको टाइम मिलता है। तो यह प्रक्रिया आपको बहुत जल्दी और बहुत ही फास्ट तरीके से करनी है, और उस वक्त आपका इंटरनेट स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, आपकी इंटरनेट स्पीड फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर तत्काल टिकट बुक करते समय अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो रहेगी तो आपका वहाँ पे पेज लोडिंग ही बताता रहेगा, और जब तक वहाँ के अंदर की जितनी भी सीटें होंगी सारी बुक हो चुकी होंगी, इससे भी आपका टिकट वेटिंग में जा सकता है। तो इस बात का वो अच्छे खासे ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार आप अपने CSC ID IRCTC एजेंट ID से टिकट बुक कर सकते हैं तत्काल में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज़ हमें बता सकते हैं। साथ में आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक एजेंट ID से तत्काल टिकट बुक किया है तो क्या आप जितनी बार बुक किए हैं सब हर बार आपको कंफर्म टिकट मिली है, या फिर किसी कारण वजह आपको वहाँ सीट तो दिखा रहे थे लेकिन आपको फिर वेटिंग मिल गई, तो इसके पीछे कारण यही होगा तो आपका इंटरनेट स्लो होगा, या फिर आपने अपने CSC वाले में पैसे जोड़े नहीं होंगे, फिर आपने सोचा होगा पहले जोड़ता हूँ। यही जोड़ने में और नेट स्लो होने की समस्या के कारण जो टिकट बची हुई सीटें तुरंत ही बुक हो जाती है। क्योंकि तत्काल टिकट जब हम निकालते हैं तो उसमें मात्र कभी कभी किसी ट्रेन में 80 सीटें होती हैं, किसी ट्रेन में 150 सीटें होती हैं, किसी ट्रेन में 190 सीटें होती हैं, या 180 सीटें होती हैं। उसी प्रकार से तत्काल टिकट में जो है आप आधे घंटे में निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो तुरंत ही काफ़ी सारे लोग जो है इसको बुक करने के लिए आवेदन कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग जब भी IRCTC एजेंट ID के तहत अपना तत्काल टिकट निकालेंगे तो आप पूरी तरह से सावधानी बरतेंगे, और आपको सब तुरंत ही उस पर फटाफट सारे काम करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। वीडियो का अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि IRCTC एजेंट ID का टिकट बुक करते समय उनको कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।